नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। भिंड के बसपा नेता को सरकारी कर्मचारी से अभद्रता करना महंगा पड़ गया। दरअसल पूरा मामला बिजली गुल होने से जुड़ा है। घटना के मुताबिक बिजली गुल होने के बाद बसपा नेता संजीव सिंह ने बिजली ऑफिस में फोन लगाया था, जिसे किसी ने रिसीव नहीं किया। इसी बात से नाराज संजीव सिंह दनदनाते हुए बिजली दफ्तर पहुंच गए और वहां मौजूद जूनियर इंजीनियर से अभद्रता करने लगे। घटना के बाद जूनियर इंजीनियर राजीव काकोड़िया ने बसपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि संजीव सिंह ने ऐसी घटना होने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ भाजपा के नेताओं की यह साजिश है। उधर पीड़ित जेई का कहना है कि संजीव सिंह की हरकत मोबाइल में कैद है और उन्होंने जान से मारने की धमकी देते हुए स्टाफ के सामने उन्हें भला बुरा कहा है। आज लगभग 4 बजे करीब भिंड जिले के संजीव नेता और संजीव सिंह कुशवा मेरे वितरण केंद्र में उपस्थित प्रांगण में आए और मुझसे गाली गलौज बेवजह करने लगे। इसकी शिकायत मैंने अभी थाने में दिया हूँ, प्लस कलेक्टर को भी बताया हूँ, SP साहब को भी बताया, प्लस अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी इस बात की जानकारी दी है। ये कुछ बात उन्होंने बताई नहीं, सिर्फ गाड़ी सर आए और मुझे बुलाया और मुझे गाली देने लगे माँ बहन की। बोले मेरा तो काम नहीं करता है, मेरी बात नहीं सुनता है। कुछ काम क्या काम बताया था? कुछ काम कुछ बताया नहीं, कुछ बात ही नहीं हुई काम की। कुछ काम बताते तो मैं उनको रिप्लाई देता है कि काम क्यों नहीं हो पाया, किस बात का बेवजह गाली वगैरह देने लगी स्टाफ के सामने। तो क्या रिपोर्ट की आपने? रिपोर्ट में थाने में दिया हूँ, ओबी थाने में, प्लस अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी दिखाया हूँ। कलेक्टर साहब से भी मेरी बात की है। इस तरह चलता रहा तो सरकारी आदमी का काम करना मुश्किल हो जाएगा। किसी ने नहीं बचाया? नहीं, कोई नहीं धमकाया नहीं है। मैं चूंकि क्षेत्र में घूमता रहता हूँ और क्षेत्र में बिजली से विद्युत से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। मैं लगातार इनके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, इनको भी मैं लगातार 2 महीने से फोन लगा रहा था और ये ना तो फोन उठाते और ना ही उसका जवाब देते थे। तो आज चूंकि मैं क्षेत्र से लौट रहा था, वहां निकला, उधर से निकला तो मैंने देखा ये थे वहां पर, तो मैंने बस इनसे कहा कि फोन उठा लिया करो और जो जनता से जुड़ी समस्याएं उनका समाधान करो। और वैसे तो देखिए ये मामला कोई ऐसा नहीं है, ये है कि जब हमारी इतनी बात हुई तो जो स्थानीय विधायक है उसको पता चला, क्योंकि FIR स्पेशलिस्ट है, तो वो तुरंत उनको लेके थाने पहुंच गए और मेरे खिलाफ आवेदन दिलाया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है अगर जनता की आवाज उठाएंगे और उसके खिलाफ उसके बाद आवाज उठाने के एवज में हमारे खिलाफ FIR कराई जाएगी, आवेदन दिए जाएंगे, तो इससे हम डरने वाले नहीं है। हम जनता की आवाज लगातार उठाते हैं। तो आपने गाली गलौज दी थी? नहीं, हमने कोई गाली गलौज नहीं की, हमने सामान्य बात की, हमारा फोन उठा लिया करो, चर्चा करो। एक वीडियो वायरल हुआ था। भिंड से नीरव शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।